खप्पर यहीं रखा रहता है। आप देख लीजिए इनक्लोज्ड स्पेस है, बहुत छोटा सा स्पेस है, इसी में एक खप्पर रखा रहता है और इसमें से फिर धुआं निकलने लगता है। जो खप्पर था उसमें से जैसे यज्ञ करते हैं ना अपन, वैसा अग्नि प्रज्वलित हो गया, उसमें जलना शुरू हो गया। आओ आप ही आप, 2 घंटा 3 घंटा जलता था, 1 बजे 1.5 बजे तक। आओ आप ही आप शाम। शुरू में थोड़ा से एक अगरबत्ती के लौ की तरह निकला, सब लोग चिल्लाने लगे देखो 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 देखो। आरती बस शुरू होने वाली है, लेकिन मैं आपको खप्पर दिखाता हूँ। खप्पर कहाँ पर है? बिल्कुल उसी जगह पर खप्पर मौजूद है जहाँ पर हमने छोड़ा था, मतलब खप्पर वहीं पर है। अगर कुछ होगा तो हमें साफ दिखने लगेगा कि खप्पर में से धुआं निकल रहा है। चमत्कार बहु मोटो छे, कहानी घनी मोटी छे, माटे ध्यान थी सांभळो। गोंड आदिवासियों विस्तार में महाकाली नु एक धाम छे। धाम मां मूर्ति पासे एक खप्पर छे। दावो छे कि जेवी सवारनी आरती पूरी थाय छे, आ खप्पर मां स्वयंभू एक ज्वाला प्रगटे छे। राख भभूकवा मांडे छे, धुमाड़ो निकलवा मांडे छे। मंदिर नवू छे पण चमत्कारनो दावो वर्षो जूनो छे। जेने पण कसोटी करी ते माताजीनो भक्त बनीने गयो। आजे अमारी टीम पण पड़ताल करशे, पण अंदाज अमारो पोतानो हशे, जे माटे अमे आखो मंदिर खाली करावी दीधो। खप्परनो आखो एक्सरे रिपोर्ट निकाल्यो। मैं इसकी पूरी राख निकालूंगा आपके सामने, ये देखिए। मैं राख खप्पर में डाल रहा हूँ। एवं घणो बधु थयो जे आ मंदिर मां पहला क्यारे नहतु थयो। आरती खत्म हो गई है। आइए महाराज, आप भी आइए पुजारी जी, जरा खप्पर देख लें चल के, जिसके चमत्कार की आप कहानियां सुना रहे हैं सुबह से मुझे। आइए दिखाइए जरा खप्पर में क्या हुआ है। त्यार बाद शू खप्पर माथी ज्वाला प्रगटी खरी। छत्तीसगढ़ना जंगल मां गौड आदिवासियों नू एक गाम छे के ज्यां वर्षो जूनी महाकाली मानी एक मूर्ति आवेली छे। कहेवामां आवे छे के ते मूर्ति पासे कोई पण खप्पर राखी दो, तेमांथी आपोआप ज्वाला प्रगट थाय छे। महाकाली कथा मां खप्पर नो उल्लेख रक्त बीज दानव साथे जोड़ायेलो छे। जेना लोहीना एक एक टीपा थी दानव नो जन्म थतो हतो। त्यारे महाकाली माताए खप्पर नो उपयोग करीने ज रक्त बीज नो वध कर्यो हतो। સામે હતો મહાકાળી સાથે જોડાયેલા દાવાનો રસ્તો, જેના દાવાએ બધાને સ્તબ્ધ કરી દીધા છે। કહેવાય છે કે તે મંદિરના ખપ્પરમાં સ્વયંભૂ જ્વાળા પ્રગટ થાય છે। ઠંડી પડેલી રાખ ધકધકવા માંડે છે, ધુમાડો નીકળવા માંડે છે। थोड़ी वार पछी बधु पहला जेवू थई जाय छे। अमारी टीम ने हकीकत शोधवानी हती। अमे नगरी सिहावा गाम पहुंचा तो त्यां सन्नाटो हतो। जे हता तेमनी साथे वात नहोती थई शकती। જ્યારે અમે મંદિર પહોંચ્યા તો મંદિર આશા કરતા મોટું નીકળ્યું। આદિવાસીઓની વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારમાં સામાન્ય રીતે આટલું મોટું મંદિર નથી જોવા મળતું।
જ્યાંથી મંદિર સામાન્ય હતું એક ગર્ભગૃહ, તેની સામે મહાકાળી માતાજીની મૂર્તિ અને મૂર્તિ સામે અખંડ જ્યોતિ. અમે તે ચમત્કારી ખપ્પર શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો. અમને બહાર લઈ જવામાં આવ્યા તે મૂર્તિ પાસે જ્યાં ચમત્કાર થાય છે. આ લોકો આને ખપ્પર કહે છે. ખપ્પર આવું નથી હોતું, આ તો માટીનું વાસણ હતું જેમાં ધૂપ અને છાણા પ્રગટાવી દેવીની પૂજા કરવામાં આવે છે. ये खप्पर यहीं रखा रहता है, आप देख लीजिए इनक्लोज्ड स्पेस है, बहुत छोटा सा स्पेस है, इसी में खप्पर रखा रहता है और इसमें से फिर धुआं निकलने लगता है. खप्पर उठा लूं मैं? महाराज उठा सकता हूं? ये देखिए भाई, ये खप्पर है, एक कप की तरह होता है, जैसे एक बड़ा सा कप है, उसके अंदर ये राख वगैरह है और कुछ भी नहीं है. लेकिन अभी भी फिर इसको हम थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करेंगे. तो इसके अंदर ये राख वगैरह है और इसमें से धुआं निकलने लगता है. अभी तो कुछ भी नहीं, मतलब मैंने हाथ डाला तो बिल्कुल ठंडा है, तो इसमें से धुआं निकलने लगता है. ये खप्पर में कुछ भी खास नहीं है, ये तो आम मिट्टी का बना हुआ एक बर्तन है. इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जलने वाली हो. इसके अंदर ये जो पड़ा हुआ है ये राख है, मतलब कोई भी इस तरह का कंबस्टिबल मटीरियल जिसे कहते हैं, वो चीज़ जिसमें आग लग सके, वो इस खप्पर में मौजूद नहीं है. और मान्यता यह है कि ऐसी ही स्थिति में इस खप्पर से धुआं निकलता है और फिर आग की लपट दिखाई देती है. होता है या नहीं, ये अब आपके सामने. सवारनी आरती नो समय थई गयो हतो. खप्पर ने जोयू एकदम सामान्य. दावो ते हतो के आ तरफ आरती समाप्त थशे अने बीजी तरफ खप्पर मां अग्नि प्रगटशे, साथे ज धुमाड़ो निकलवा मांडशे. तो यहाँ पर पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है और आरती बस शुरू होने वाली है. लेकिन मैं आपको खप्पर दिखाता हूँ. खप्पर कहाँ पर है? बिल्कुल उसी जगह पर खप्पर मौजूद है जहाँ पर हमने छोड़ा था. मतलब खप्पर वहीं पर है. अगर कुछ होगा तो हमें साफ दिखने लगेगा कि खप्पर में से धुआं निकल रहा है. ये देखिए, खप्पर अपनी जगह पर ही है, खप्पर को नहीं हिलाया है. और अगर धुआं नजर आएगा तो हम दो कदम दूर हैं. बार बार आके इसको देखते रहेंगे, जैसे ही धुआं नजर आएगा हमको पता चल जाएगा कि चमत्कार हो गया. आइए अब आरती की तरफ चलते हैं. आरती खत्म हो गई है लगता है. हो गया पंडित जी? आइए, आरती खत्म हो गई है. आइए महाराज, आप भी आइए. पुजारी जी, जरा खप्पर देख ले चल के, जिसके चमत्कार की आप कहानियां सुना रहे हैं सुबह से मुझे. हाँ चलिए, दिखा आइए, दिखाइए जरा खप्पर में क्या हुआ. कहाँ है धुआं? धुआं तो है ही नहीं. आप सुनिए ना कि इसका विधिवत पूजा, पारंपरिक पूजा जब होती है ना तब वो जलती है. अच्छा, इसमें ऐसे मतलब हम तो रात में शाम सवेरे आरती करते हैं. अच्छा, मतलब ये वो पूजा नहीं है? पूजा नहीं, आरती है वो. तो वो विधिवत पूजा कब करेंगे? कल आना, कल करेंगे, देखेंगे. कल और कल दिखाई देगा फिर चमत्कार. अब देखो, आप मर्जी माता का है, अब दिखाएगा तो अच्छी बात है. बीजा दिवसे आखो गाम भेगू थशे. आदिवासी प्रथा मुजब महाकाली मातानी पूजा थशे. पूरी आस्था साथे भजन अने आरती थशे. माताजी खुश थया तो ते चमत्कार जोवा मळशे. ટ્વિસ્ટની આશા નહોતી રાખી. મહાકાળીની વિશેષ પૂજા બાદ જ ખપ્પરમાં જ્વાળા પ્રગટે છે. પહેલા અમને લાગ્યું કે પૂજાના નામ પર અમને ટાળવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ આદિવાસીઓનો આત્મવિશ્વાસ જોઈને લાગ્યું કે ના, આ વાત કંઈક અલગ છે. અમે આગળ પડતાળ કરી. આજનો દિવસ વિશેષ છે.
महाकाली विशेष पूजा थशे। गाम लोकोना कहवा मुजब खप्पर मां अग्नि प्रगट थाय छे। गाम लोकोनी पूजा आदिवासी परंपरा मुजब शुरू थई रही हती। મારી નજર બીજી જગ્યાએ હતી। તે પહેલા કે કોઈ ગામનો વ્યક્તિ આવે, અમે ખપ્પરને પૂરી રીતે ચેક કરી લીધું। રાખ જ હતી, બીજું કશું નહોતું। અમે દોડતા બહારની તરફ ગયા। જ્યારે ખપ્પરને જોયું તો મોટો ઝટકો લાગ્યો। ત્યાંથી ધુમાડો નીકળી રહ્યો હતો। ચમત્કારને જોવા માટે આખું ગામ આવ્યું હતું। પણ આ થયું કેવી રીતે? આજે મંદિર પહોંચતા જ અમે ખપ્પર ચેક કર્યું હતું। જ્યારે પૂજારી આવ્યા હતા ત્યારે પણ અમારી નજર ત્યાં જ હતી। ક્યાંક કોઈ ગડબડ નહોતી થઈ, કોઈએ ખપ્પરમાં આગ નહોતી પ્રગટાવી, તો પછી આ ધુમાડો ક્યાંથી આવે છે? आपने कितने आपने कब देखा ये? मैं तो वहाँ बैठा हुआ था। वो तो अभी दिखा हूँ मैं अभी। हाँ, उधर पूजा पाठ हो रहा था, माता जी का जश्न गीत चालू हो गया ना। हाँ। तो इधर धुआं निकालना भी चालू हो गया। अच्छा, जब वो जश्न गीत चालू हुआ उसके बाद से ये भी शुरू हो गया। पुजारी जी, ये ऐसे ही निकलता है? कैमरा नी सामे सतत खप्पर माथी धुमाड़ो निकली रहो हतो। લોકોની આમાં મોટી શ્રદ્ધા છે, અમે દિલથી તેમની શ્રદ્ધામાં સામેલ છીએ, પણ 21મી સદીનું મગજ કંઈક અલગ જ કહી રહ્યું હતું। તો એક જ રસ્તો હતો જે માટે આખું મંદિર ખાલી કરાવવું પડશે। બની શકે કે ગામના લોકો નારાજ થઈ જાય, પણ આપણી પડતાલને કોઈ પણ કિંમતે અંજામ સુધી લઈ જવાની હતી। હવે મંદિરમાં સન્નાટો હતો। એક વાત નવી હતી કે પૂજા બંધ થતા ખપ્પરમાંથી ધુમાડો નીકળવાનું પણ બંધ થઈ ગયું। ગર્ભગૃહમાં પૂજારી ખપ્પર પાસે હતા। मिट्टी के एक बर्तन में इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है, इसका मुझे कतई अंदाज़ा था नहीं। लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि इस खप्पर से धुआं निकला, अपने आप निकला, जैसा कि सबने बताया। लेकिन उस वक्त कई सारे वेरिएबल्स यहां पर थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे, मेरी नज़र नहीं थी खप्पर पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब पहली चीज़ तो ये है कि मैं इस खप्पर को चेक करके देखना चाहता हूँ कि इसकी राख में तो कहीं कुछ डाला नहीं गया। मैं इसकी पूरी राख निकालूंगा आपके सामने। ये देखिए, अब ये बिल्कुल खाली है, मतलब कुछ भी अब इसमें मौजूद नहीं है। सारी राख मैंने इसकी निकाल ली है, और ये सिर्फ राख ही है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो जलने वाली हो, मतलब कोई कोयला दिखाई दे मुझे या कुछ भी इस तरह की दिखाई दे, ये सब जली हुई राख है। ठीक है भाई, तो अब राख भी मैंने निकाल ली। अब वहाँ पर मंदिर में अंदर पूजा शुरू हो गई है। राख मैं वापस खप्पर में डाल रहा हूँ, अभी नहीं, मैं राख खप्पर में डाल रहा हूँ। और खप्पर में डालने के बाद अब इसको मैंने पूरा उसी तरह से कर दिया जैसा ये था। ये देख लीजिए, पूरा उसी तरह से है जैसा ये था। अब इंतज़ार करूँगा यहाँ से, ये एक कैमरा जो सामने है और मैं, हम दो लोग यहीं पर रहेंगे इस खप्पर के पास ही। और ये जो मेरा गोप्रो कैमरा है,
आप जाइए वहाँ पर जहाँ पूजा हो रही है और आप वहीं रहिए कंटिन्यूसली। तो अब दोनों जगह मौजूद है, एक जगह जहाँ पर पूजा हो रही है अंदर, वहाँ पर गोप्रो कैमरा मौजूद है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और देखते रहेंगे पूरे वक्त कि इस खप्पर में से अब धुआं निकलता है या नहीं। આરતી હવે થઈ રહી છે, દાવા મુજબ ચમત્કાર આની પછી પણ થાય છે। આ તરફ આરતી થઈ રહી હતી, બીજી તરફ અમારી નજર ખપ્પર પર હતી। અમે ક્યાંય ન ગયા, ત્યાં બેઠેલા રહ્યા। 5 મિનિટ પછી ખપ્પરમાંથી ધુમાડો નીકળવા માંડ્યો। देखिए करीबन पिछले 5 मिनट से मैं लगातार इस खप्पर को ही देख रहा था, अंदर पूजा चल रही थी और अभी इसके अंदर से धुआं धीमे धीमे उठना शुरू हो गया। इधर लाओ कैमरा नीचे, पता नहीं क्योंकि वाइट धुआं है आपको कितना दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे धुआं अलग साफ नज़र आ रहा है कि इस खप्पर में से धुआं निकल रहा है। अद्भुत अलौकिक, खप्पर में फरी एक बार अग्नि प्रगट हुआ मांडी। કોઈ જવાળા તો ન જોવા મળી, પણ ધુમાડો નીકળવાનું ચાલુ હતું। એકવાર મન થયું કે તેની રાખને બહાર કાઢી નાખો, પણ અમે આવું નહોતા કરી શકતા। પ્રોબ્લેમ સિર્ફ ઇતની હૈ કે મેં નિકાલ કે દેખના ચાહતા હું કે અંદર ક્યા હૈ, લેકિન ગામ વાલો કી માન્યતા હૈ કે જબ દેવી માં ખપ્પર મે આ જાતી હૈ, ક્યોંકિ વો ધુઆં જો હૈ વો ખપ્પર સે હી આ રહા હૈ, તો દેવી માં જબ ખપ્પર મે આ જાતી હૈ તો ઉસ વક્ત આપ ઇસ રાખ કો નહીં નિકાલ સકતે, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। अभी मुझे यहाँ अलाउ ही कर दिया, वरना खप्पर के आसपास कोई रहता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि खप्पर से धुआं निकल रहा है। ये अपने आप में सरप्राइजिंग चीज़ है। ધુમાડાએ અમને અવઢવમાં નાખ્યા, હજુ મગજ જ વાપરી રહ્યા હતા ત્યારે જ ખપ્પરમાં કંઈક નજરે પડ્યો। देखिए इस खप्पर को जब मैंने गौर से देखा तो एक चीज़ मैंने नोट की, वो ये कि यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ब्लैक भी हो गया है, लेकिन मैं अपनी उंगली बहुत आसानी से यहाँ पे रख पा रहा हूँ, कोई गर्मी मुझे महसूस नहीं हो रही। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अंदर कुछ जल रहा हो। ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि जहाँ धुआं होता है जाहिर बात है कि वहाँ पर कोई ना कोई गर्म चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी गर्म चीज़ मुझे महसूस नहीं हो रही है। राख थी जब हमने शुरुआत में देखा था तो सिर्फ राख था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक स्पॉट सा बन गया है जिसमें से धुआं निकल रहा है। मतलब कोई ना कोई चीज़ है अंदर जो जल रही है, क्या है मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ना ही मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है कि मैं इस राख की केमिकल कॉम्पोजिशन जाके देख सकूँ। આ માટીનો ખપ્પર ગરમ નહોતો, અમારી ટીમે તેને સતત પકડી રાખ્યો હતો। ખપ્પર ગરમ નહોતું, છતાં અંદરથી ધુમાડો નીકળી રહ્યો હતો। અભી યે જો હો રહા હૈ યે વાકઈ મેં ઇતની હેરાન કર દેને વાલી ચીઝ હૈ જિસકા મેરે પાસ કોઈ જવાબ નહીં હૈ। રાખ કા કેમિકલ કોમ્પોઝિશન આપકો પતા હૈ, રાખ જલ નહીં સકતી, ઉસકે અંદર કુછ નહીં રહેતા। જલને કે બાદ જો બચતા હૈ વો રાખ હોતા, ઉસકે બાદ કુછ નહીં હોતા જો જલ સકે। લેકિન મેરે સામને યહાં પર મેં પૂરે વક્ત મૌજૂદ રહા, मेरे सामने ये खप्पर रखा रहा और मेरे सामने ही इसमें से ये धुआं निकलने लगा। अब मैं देख नहीं सकता, मुझे नहीं पता कि मैं इसके कॉम्पोजिशन को किस तरह से समझूं, क्योंकि मैं अगर राख के अंदर जैसे हाथ डालने को मुझे मना किया था, लेकिन उसके बावजूद मैं डाल के और इस राख को आगे पीछे भी कर दे रहा हूँ, तब भी धुआं कंटिन्यूसली निकले चला आ रहा है। तो मेरी समझ से परे है, मुझे वाकई नहीं पता कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ। અમે દરેક કવાયત કરી, મંદિરમાં આવતા જ ખપ્પર ચેક કર્યું, છતાં પણ ગામ લોકોની સામે ધુમાડો નીકળ્યો। મંદિર આખું ખાલી કરાવી દીધું, ખપ્પરમાંથી રાખ કાઢીને પણ જોઈ લીધી, છતાં પણ ધુમાડો નીકળ્યો। તર્કો પર વિશ્વાસ કરનારાઓ પાસે કદાચ કોઈ જવાબ હોય, પણ અમારી ટીમ સામે જે બે બે વાર ધુમાડો નીકળ્યો તેના વિશે શું કહીશું। વિજ્ઞાનનો કોઈ અજાણ્યો સિદ્ધાંત કે માણસનું મગજ ન ઉકેલી શકે તેવો કોઈ કોયડો। સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ, વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।